माई न्यू व्लॉग। तो मैं आ चुकी हूँ न्यू रेसिपी व्लॉग के साथ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि मेरा स्पेशल है, मैं बनाती हूँ जिस तरीके से। और बोरिंग भिंडी की सब्ज़ी भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी अगर इस तरीके से आप लोग भिंडी बनाओगे। सो मैं डिनर बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, और इसको आप लोग भिंडी मसाला कहो, भिंडी की सब्ज़ी कहो, जो भी कहना है कहो, बहुत टेस्टी बनता है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से किचन में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है भिंडी को वॉश करके। पहले हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि काटने के बाद फिर भिंडी वॉश नहीं किया जाता है। तो अच्छे से हम लोग भिंडी को वॉश कर लेंगे एकदम। और यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़ा प्याज और कुछ हरा मिर्च। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं चॉप। तो मैं दिखाती हूँ भिंडी को काटना कैसे है। तो जैसे कि अगर हमारा भिंडी छोटा रहा, मतलब एक फिंगर जितना, तो हम लोग बस आगे और उसका पीछे काटेंगे, बस उसको दो टुकड़ा या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, बस गोटा रहने देंगे। और अगर आपका भिंडी थोड़ा बड़ा रहा तो आप लोग क्या करना, आगे पीछे काटना और बीच में दो टुकड़ा उसको कर देना, तो वो थोड़ा बड़ा ही साइज़ का रहेगा। छोटा छोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर छोटा रहा तो एकदम बड़ा रहने दीजिएगा, और ऐसे बड़ा रहा तो दो टुकड़ा करना है। बस ऐसे ही करके हम सारा भिंडी काट लेंगे पहले। मैंने देख ही सकते हो सारा भिंडी काट लिया है, तो देख सकते हो साइज़ लगभग सेम ही है, बट थोड़ा सा 19-20 तो होगा ही गाइज, ऐसे एकदम बराबर तो नहीं काट सकते हम लोग। और यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिया, जो कि मैंने छोटा छोटा कट करा है, आप लोग भी छोटा छोटा करना। और यहाँ पे हरी मिर्च कट कर लिया। अब मैंने एक कढ़ाई बैठा लिया है गैस में। अब हम लोग कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म हो जाने के बाद हम लोग सबसे पहले भिंडी को हम लोग फ्राई कर लेंगे। भिंडी को हम लोगों को अभी 80% तक फ्राई कर लेना है, और बाकी का 20% ग्रेवी जब बन जाएगा उसके साथ पकेगा। 80% हम लोग अभी अगर फ्राई नहीं करेंगे ना तो भिंडी कच्चा रह जाएगा हम लोग का। तो पहले हम लोग भिंडी को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। देख ही सकते हो पूरा तेल सोख लिया है भिंडी अपने, धीरे धीरे अच्छे से फ्राई हो जाएगा और सॉफ्ट भी होने लगेगा। और कम से कम तो 20 मिनट्स लगेगा इसको फ्राई होने में। तो इसको हम लोग आराम से पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख ही सकते हो हमारा भिंडी हो चुका है फ्राई, और ये पक भी चुका है 80%, और बाकी जो 20% बचा हुआ है वो ग्रेवी साथ पक जाएगा। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं, और ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा इसको पका लेंगे तो जब ग्रेवी के साथ पकाएंगे ना, उस टाइम पे ये हलवा हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं अगले, मतलब दूसरे प्लेट पर। तो अब हम लोग उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे फिर से 2 चम्मच तेल। तेल ऐड करने के बाद, जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को हम लोग तेल में गर्म होने देंगे थोड़ा देर। उसके बाद हमने जो प्याज चॉप करा था ना, उसको ऐड करेंगे सबसे पहले। तो प्याज को ऐड करने के बाद हम लोग अच्छे से प्याज और हरी मिर्च दोनों को ऐड करने के बाद अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे पहले। प्याज हमारा पक जाना चाहिए, गोल्डन ब्राउन होना हो जाना चाहिए, जो कि बहुत पहले से हम लोग करते आ रहे हैं हमेशा प्याज को पकाते। तो वैसे हम लोग इसमें भी प्याज को पहले अच्छे से पका लेते हैं। तो जब तक हमारा प्याज पक रहा है, हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये घर पे ज़्यादा बना के फ्रिज में स्टोर करके हम लोग रखते हैं आधी लहसुन का पेस्ट। ये रेड इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें लाल सूखा मिर्च भी पीसा हुआ है साथ में, तो उस हिसाब से हम लोग तीखा रखेंगे। तो यहाँ पे हम 2 छोटा चम्मच ले लेंगे आधी लहसुन का पेस्ट, और 1 छोटा चम्मच ले लेंगे जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, और 1 चम्मच हम लोग लेंगे यहाँ पर सब्ज़ी मसाला। तो अगर आपके पास सब्ज़ी मसाला नहीं है तो आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसको हम लोग पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये हम लोग तैयार करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस रेसिपी का, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टमाटर जो कि मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 4-5 काजू ले लिया है। इसको हम लोग बना लेंगे एकदम पेस्ट, फाइन पेस्ट। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा भी स्किप बिल्कुल भी मत करना आप लोग। तो
तो देख ही सकते हो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब ज़्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमने मसाला तैयार किया था उसको, और जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसको भी ऐड कर देंगे। दोनों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। उस टाइम पर हम हल्दी और नमक डालना भूल गए थे मसाला में, तो अभी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच हल्दी ऐड किया है और स्वाद अनुसार नमक ऐड किया। दोनों को मिक्स कर देते हैं मसाले के साथ और अच्छे से मसाला को पका लेते हैं। तो मसाला पकाने का रूल तो आपको पता ही है, जब तक साइड से तेल ना छोड़ दे तब तक आप लोग पकाते रहना मसाला को। तो अच्छे से हम लोग मसाला को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देख ही सकते हो हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, साइड साइड से तेल छोड़ चुका है। अब इसको नहीं पकाएंगे हम लोग, वरना ये मसाला जल जाएगा, फिर टेस्ट नहीं आएगा सब्ज़ी में जो आना चाहिए। अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे जो भिंडी हमने फ्राई करके रखा था उसको। भिंडी को ऐड करने के बाद अच्छे से मसाला के साथ उसको मिक्स करेंगे ताकि भिंडी में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे इसमें पानी। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी ऐड किया है। पानी उतना ही हम लोग ऐड करेंगे जितना भिंडी पूरा सोख हो जाए पानी के अंदर। पानी ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि हम लोग को ग्रेवी वाला सब्ज़ी नहीं बनाना है, हम लोग को थोड़ा गीला सब्ज़ी बनाना है। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है। तो पानी ऐड कर देंगे, उसके बाद फिर इसको हम लोग ग्रेवी के साथ पानी के मतलब पकाएंगे ताकि भिंडी भी हमारा जो भी 20% बचा है वो भी पक जाए और मसाला का फ्लेवर्स भी हमारा भिंडी के अंदर आ जाए। तो हम लोग ढक देंगे इसको 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद फिर हम लोग देखते हैं हमारा सब्ज़ी का हाल क्या है। 10 मिनट तो हो गया, चलो गाइस देखते हैं हमारा सब्ज़ी का हाल क्या है। तो देखने से तो लग रहा है कि अभी पानी इसमें और ज़्यादा सूखेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी है ऊपर। और इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं एक चम्मच जैसा गरम मसाला ऐड कर देंगे, तो इसमें ना टेस्ट बहुत ज़्यादा इनहांस हो जाता है उससे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो गाइस देखते हैं अब हमारा सब्ज़ी का क्या हाल है। तो हाँ, ये हो चुका है हमारा सब्ज़ी तैयार, एकदम पक चुका है अच्छे से, पानी भी सोख लिया है। अब इसको हम धीरे धीरे और ज़्यादा ये सूख लेता है पानी, तो अभी इतना ही रहने देते हैं। और जब खाओगे उस टाइम पे आप लोग देखना और ज़्यादा ये ग्रेवी मतलब गाढ़ा हो जाता है। तो इसको अब हम लोग बंद कर देते हैं गैस, और देख ही सकते हो पक चुका है जितना भी पकना था भिंडी। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना हलवा हो जाएगा, उसके बाद लगेगा भिंडी का हलवा खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भिंडी हो चुका है हमारा गाइस रेडी। अब इसको आप लोग रोटी से खाओ, चावल के साथ खाओ, जिससे आप लोगों को मन करे उस चीज़ से खाओ। तो चलो चलते हैं, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है, मैं तो चली भाई डिनर करने। कंप्लीट, और यही था आज का मेरा भिंडी मसाला का रेसिपी। तो बस आप लोग ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, इंटरेस्टिंग रेसिपी व्लॉग के साथ। तो बाय बाय, तब तक के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।